आप सभी लोगों ने एक योजना के बारे में सुना होगा। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी होगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की हुई है, तो उस योजना का आप लोगों ने लाभ भी उठाया होगा। आपके परिवार में बच्चे भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो उन्हें भी उसका काफ़ी लाभ मिलता होगा। इसका नाम है मध्यान्ह भोजन योजना, और इसे आप लोग मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। मिड डे मील के नाम से भी आप लोग जानते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें क्या होता है कि एक टाइम का, यानी कि दोपहर में आप देखते हैं कि खाना स्कूल की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है। एक केंद्र सरकार की योजना है। अभी हम लोग इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा है कि एक लंबे समय से स्कूल बंद पड़े हुए हैं कोरोना महामारी के कारण। तो सरकार ने फैसला लिया है कि इसके जो खाना नहीं उपलब्ध करवाया गया उसके बदले नगद सहायता दी जाएगी बच्चों को। लेकिन इस सहायता राशि को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। आप लोगों से ही पूछता हूं, आप ही बताइए, क्या 4 रुपये में एक टाइम का, एक दिन में खाना उपलब्ध करवाया जा सकता है एक बच्चे को? 4 रुपये से कम रुपये में, 4 रुपये भी नहीं है पूरे, 100 रुपये में महीने भर एक टाइम एक बच्चे को खाना खिलाया जा सकता है इस महंगाई के दौर में? आप लोग खुद सोच के देखिए, संभव भी नहीं हो सकता है। और इस समय मुझे दो लाइनें बड़ी अच्छी याद आ जाती हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि कीमत तो खूब बढ़ गई दिल्ली में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मुझे नहीं मालूम कि आप समझ सकते हैं कि सरकार ने किन आधार, किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये राशि फिक्स की हुई है। लेकिन आप देखते हैं कि धान की कीमत बड़ी बढ़ा देते हैं सरकार, लेकिन आपने देखा होगा एक किसान को ही मालूम रहता है कि कितना पैसा उस पर खर्च होता है। पानी की व्यवस्था कैसे की जाती है, उसकी रखवाली कैसे की जाती है। एक किसान अपने बच्चों की तरह अपनी फसल को एक तरह से सुरक्षित रखता है, उसकी रखवाली करता है। तो ये देखते रहिए, आप लोग बताइए कि संभव है क्या? केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी प्रत्येक बच्चे को लगभग 100 रुपये देने का फैसला किया है। और इस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए की कुल राशि 11.8 करोड़ बच्चों के लिए एक मुफ्त भुगतान के रूप में प्रदान की जाएगी। याद रखिए, पूरे देश के लिए है 1200 करोड़ रुपए, ठीक है? और मध्याह्न भोजन के तहत आप देखेंगे तो यह राशि मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना पकाने की लागत घटक से दी जाएगी। अगर उससे दी जाएगी तो आप समझिए कि किन बातों को ध्यान में रखा है सरकार ने, यह भी सोचने वाली बात है। अगर स्कूल से भी आप खाना उपलब्ध करवाएंगे तब भी इतना, मतलब आप सोचिए कि कम से कम, आप सोचिए कि 20 से 25-30 रुपये तो मुझे लगता है कि कम से कम बात करो लागत आएगी ही। और याद रहे कि 2020-21 में जो बजट हुआ था उसमें खाना पकाने की लागत वो मध्याह्न भोजन योजना के लिए केंद्रीय आवंटन का सबसे बड़ा घटक भी रहा था। और इसमें आप देखेंगे दालों, सब्जियों, खाना पकाने का तेल, नमक, मसालों जैसी सामग्रियों की कीमत को शामिल किया गया है। और वैसे भी आप लोग छात्र होंगे तो आप लोग वहां रहते भी होंगे, तो आप लोग कहीं मेस में खाना करते होंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाते होंगे, या फिर आप लोग बनाते भी होंगे, तो आप देखते होंगे कि 40-50, 50-60 रुपए से कम की थाली एक टाइम की नहीं मिलती है कहीं भी। टिफिन भी आप लोग लेते हैं तो कम से कम 50 रुपए का टिफिन मिलता है। तो सोच सकते हैं आप लोग। इसमें समस्याओं की अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पर बच्चों को आप देखते हैं कि डायरेक्ट मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता है दोपहर के समय, और कई जगह आप देखते होंगे कि इस भोजन के बदले नगद राशि भी दी जाती है। कुछ स्थानों पर आप देखते होंगे कि राशन भी दिया जाता है, खाना और नगद राशि ना उपलब्ध करवा के राशन भी दिया जाता है। और जो हर तरह से एक दिन में एक बार पौष्टिक भोजन के लिए भी आवश्यक पर्याप्त हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम नहीं है ना, काफी। एक तरह से 100 रुपये प्रति बच्चा मासिक भुगतान के रूप में दी जाने वाली राशि के हिसाब से हर बच्चे को प्रतिदिन 4 रुपये से भी कम प्राप्त होंगे एक टाइम का। आप सोच सकते हैं कि आप अपने ही बच्चों को ले लीजिए,
कि कम से कम उसे एक टाइम का खाना उपलब्ध करवाने में कितना खर्च आएगा। और इसलिए केंद्र सरकार को पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंडे हो गए, सब्जियां हो गई, फल, दाल, चना, तेल सहित अधिक मात्रा में घर जाने वाला राशन प्रदान करना चाहिए। और आप देखते हैं कि अंडे की ही कीमत ले लीजिए, 4 रुपये में तो एक अंडा भी नहीं आएगा इस समय, समझ रहे हैं? फिलहाल जितना भी है, जो भी मिल रहा है ले लीजिएगा इसका लाभ, है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में जो भी मिल रहा है वही बहुत है। मध्याह्न भोजन भोजन योजना के बारे में अगर हम बात करें, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। यह योजना आप देखेंगे सरकारी विद्यालय या फिर आप देखते हैं सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त स्कूलों तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों में सभी बच्चों के लिए एक समय के भोजन को सुनिश्चित करती है। इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे 8वीं कक्षा तक के छात्रों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन का पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। इसमें घोटाले की भी आप लोग काफी जगह सुनते रहते हैं, और किस तरह का खाना उपलब्ध करवाया जाता है आप भी जानते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसे आप लोग मंत्रालय को जरूर याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस योजना को आप बात करें तो केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र की सरकार की तरफ से लगाई चालू की गई है। और ये पहली बार कब लागू हुई थी? पहली बार आई हुई थी 15 अगस्त 1995 को, पूरे देश में लागू की गई थी 15 अगस्त 1995 को। ये डेट आप लोग याद रखिए क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स या आपका वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाए। और इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। 2004 में आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम को मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया था। ये आपका सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में या फिर आप लोगों को आंसर लिखने के लिए आए तब आप लोग इसे शामिल कर सकते हैं। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि भूख और कुपोषण को दूर करना, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में कितनी गरीबी है। आप समझिए कि घर में पढ़ाने के लिए छोड़िए, आप लोग खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। तो इससे क्या रहे कि कम से कम एक टाइम का खाना उपलब्ध करवाया जा सके स्कूल की तरफ से, और वहाँ एक तरह से उनकी क्या हो, उपस्थिति भी बढ़े, नामांकन भी बढ़े स्कूल में, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, और विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिकरण में सुधार करना। अब आप सोचिए कि आप किसी भी जाति के हैं, सब इकट्ठे होकर वहाँ खाना खाएंगे तो इससे क्या होगा कि जात पात एक तरह से खत्म होगी, ठीक है? सभी एक भाव में एक तरह से रहेंगे। जमीनी स्तर पर आप देखेंगे विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। अब आप देखेंगे कि इस तरह का भोजन पकाना होगा तो महिलाओं की जरूरत तो पड़ेगी, रसोइयों की जरूरत तो पड़ेगी, तो उसमें भी रोजगार भी दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना में अगर नियम 2015 के अनुसार बात करें तो बच्चों को केवल स्कूल में ही भोजन परोसा जाएगा, और खाद्यान्नों की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य कारणवश विद्यालय में पढ़ाई के किसी भी दिन यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान भी करेगी, यानी कि हर हाल में आपको लाभ मिलेगा ही। और इसमें आप देखेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत अधिदेशित स्कूल प्रबंधन समिति मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। इसमें आप लोग इन्हें भी याद रख सकते हैं, पोषण संबंधी मानक भी है। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि MDM दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन दिए जाएंगे तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने में जो पैसे उन्होंने अभी देने की बात की है, क्या इतना उपलब्ध हो सकता है उतने में? और MHRD के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों के भोजन में 100 ग्राम खाद्यान्न, 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल और वसा सम्मिलित की जाएगी। और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए बात करें तो 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल और वसा को अनिवार्य किया गया है। ये सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। मुझे बस इतना ये मालूम नहीं चल रहा है कि इन्हीं इन्हीं जो उन्होंने निर्धारित किया हुआ है इनका ही रेट तय करके अगर सरकार मूल्य यानी कि जो सहायता राशि दे रही है उसे देती तो मुझे लगता है कि कुछ पैसा तो बढ़ाती।
खैर जितना दे रही है अब देखिए उसका लाभ उठाते रहिएगा, और इस योजना के बारे में भी थोड़ा विस्तार से याद रखा करिएगा, क्योंकि आपके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए कई बार आपका क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है इसमें, ठीक है।